हाय गाइस, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूँ आपके साथ सृष्टि और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स पर, जहाँ पर हम आप तक बॉलीवुड की सारी खबरें पहुँचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बवाल के प्रमोशन में बिजी हैं। इस फिल्म के साथ वरुण धवन थिएटर में नहीं बल्कि ओटीटी पर दस्तक देंगे। इस दौरान वरुण धवन ने कलाकार बनने के लिए कितना निडर होना पड़ता है और साथ ही अपनी छवि को लेकर कितना ध्यान रखना पड़ता है, इस बारे में बात की है। एक्टर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हर किसी को अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ना पड़ता है। हर इंसान को इनसिक्योरिटी के अंदर एक और इनसिक्योरिटी होती है जिसका सामना उन्हें खुद ही करना पड़ता है। हर कोई अपनी छवि का बहुत ध्यान है। हम लोग अब इमेज के पीछे भागते हैं, फिल्टर लगाकर अपनी जिंदगी जीते हैं। अमिताभ बच्चन की पोती नव्या नवेली नंदा एक्टिंग लाइन से अलग अपने बिजनेस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में नव्या को IIM बैंगलोर में थ्री इडियट्स का आइकॉनिक पोज देते देखा गया। नव्या अपने दोस्तों के साथ बैंगलोर में है और यहां से उन्होंने कई तरह की तस्वीरें शेयर की हैं। कभी डोसा खाते हुए तो कभी डोसे खाते दोस्तों का रिएक्शन शेयर करते हुए नव्या ने फैंस को अपने बैंगलोर ट्रिप की एक एक झलक दिखाई है। इसी के साथ उन्होंने आमिर खान की थ्री इडियट्स का आइकॉनिक फोटो भी शेयर किया। नव्या नवेली नंदा फिलहाल अपना फैमिली बिजनेस संभाल रही है। इसके साथ ही वो एक एंटरप्रेन्योर है। यही नहीं, नव्या को अक्सर हेल्थ केयर पर बात करते भी देखा जाता है। शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म जवान का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जवान का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था और फैंस को किंग खान का ये अंदाज बहुत पसंद आ रहा है। फिल्म में शाहरुख का डबल रोल है। ट्रेलर में फैंस जिसे देखकर सबसे ज्यादा इंप्रेस हुए हैं वो है दीपिका पादुकोण का फाइट सीन। फिल्म में दीपिका का कैमियो है लेकिन इससे फैंस उनके किरदार को डिकोड करने में लग गए हैं। दीपिका को फाइट करता देखने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर अंदाजा लगा रहे हैं कि वो फिल्म में शाहरुख खान की मां के किरदार में दिख सकती हैं। हुमा कुरैशी ने अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग जगह बनाई है। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी है जो उनकी बॉडी को लेकर उन्हें ट्रोल करता रहता है। हुमा ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि कैसे शुरुआती दिनों में उन्हें बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि वो 20 साल की उम्र में बहुत ही बुरे दौर से गुजरी थी। उस दौरान हुमा ने बताया कि कैसे मैगजीन के कवर पर इस तरह की बातें लिखी गई थी, साथ ही कुछ रिव्यूज में भी उनके शरीर पर कॉमेंट्स किए गए थे। टाइगर श्री के बाद सलमान खान की अगली फिल्म कौन सी होगी, फिलहाल इसे लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। लेकिन ताजा रिपोर्ट्स की माने तो दबंग खान अब सूरज बड़जात्या की फिल्म शुरू करने वाले हैं, जो अगले महीने फ्लोर पर आ जाएगी। फिल्म का टाइटल प्रेम की शादी बताया जा रहा है। फिल्म की कास्टिंग को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आई है। फिल्म की कहानी एक शादीशुदा कपल के इर्द गिर्द घूमेगी। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋतिक रोशन अक्सर किसी न किसी वजह से मीडिया की सुर्खियों में छाए रहते हैं। अब हाल ही में ऋतिक ने अपनी अपकमिंग फिल्म फाइटर में अपनी भूमिका का खुलासा किया है और बताया है कि फिल्म में उनका किरदार कैसा होगा। ऋतिक रोशन सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर में एक IAF ऑफिसर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। दर्शकों को एक बार फिर ऋतिक का एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। फैंस एक्टर की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक्ट्रेस नरगिस फाकरी ने अपने करियर में रणबीर कपूर के साथ एक शानदार फिल्म में काम किया था जिसका नाम था रॉकस्टार। अब नरगिस OTT पर भी आने की तैयारी कर रही है। बेहद बोल्ड और ब्यूटीफुल नरगिस ने हाल ही में ये साफ कर दिया है कि वो बेशक से बोल्ड हैं लेकिन वो अश्लील कंटेंट से कोसों दूर भागती हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है जिसकी लिबर्टी हर फिल्म मेकर इन दिनों ले रहा है। इस बारे में बात करते हुए नरगिस ने कहा कि वो कुछ सीन्स को लेकर अनकंफर्टेबल हैं। नरगिस ने आगे कहा कि मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए नेकेड नहीं होंगी, मुझे न्यूडिटी से परेशानी है लेकिन मैं चैलेंजिंग रोल्स के लिए हमेशा ओपन हूँ। कृति सानन हमेशा ही लाइमलाइट में रहती हैं, कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। हाल ही में खबर आई है कि कृति सानन मुंबई में अपने लिए नए घर की तलाश कर रही हैं। ऐसे में उनकी शादी की खबरें भी तेज हो गई हैं। नई रिपोर्ट्स के अनुसार कृति सानन इस समय मुंबई में एक नए घर की तलाश कर रही हैं। दरअसल एक्ट्रेस को अब ज्यादा जगह की नीड है, इसी वजह से उन्होंने बांद्रा में कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं। हालांकि अभी वो मुंबई के बाकी पॉश इलाकों में भी सर्च कर रही हैं।
साउथ सुपरस्टार रामचरण लगभग एक महीने पहले ही नए पिता बने हैं और पापा बनने के कुछ वक्त बाद ही एक्टर रामचरण अपने काम पर वापस लौटते नजर आए हैं। जल्द ही अपनी नई फिल्म गेम चेंजर की शूटिंग शुरू करेंगे। इस बात से कोई भी अनजान नहीं है कि साउथ सुपरस्टार रामचरण और उपासना हाल ही में एक प्यारी सी बेटी के पेरेंट्स बने हैं। तब से रामचरण छुट्टी पर थे और पत्नी उपासना और बेटी के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। एक्टर आशीष विद्यार्थी अपनी दूसरी शादी के बाद लगातार सुर्खियों में हैं। 57 ईयर्स की उम्र में एक्टर को दूसरी बार प्यार हुआ और फिर शादी रचाई। एक्टर ने असम की रहने वाली रूपाली बरुआ के साथ शादी की है। वहीं अब एक्टर ने अपनी पत्नी रूपाली संग अपनी वेकेशन की फोटो शेयर की है। आपको बता दें कि एक्टर इस वक्त बाली में अपना टाइम इंजॉय कर रहे हैं। आज मैं पूरी अपडेट्स पर बस इतना ही। आगे की सारी चटपटी बॉलीवुड अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।